आज हम बनाएंगे लच्छा पकोड़ा। लच्छा पकोड़ा बनाने के लिए आलू को पहले कद्दूकस कर लिया। अब इसमें डालेंगे सूखा धनिया, सब्ज़ मिर्च और प्याज। अब इसमें नमक डालेंगे। लाल मिर्च डालेंगे। हल्दी डालेंगे। अब इसमें बेसन डालेंगे। अब इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। अगर आपको लगे कि बेसन कम है तो आप थोड़ा और डाल सकते हैं। कढ़ाई को चूल्हे पर चढ़ा लेंगे। अब इसमें घी डालेंगे। घी को थोड़ा गर्म होने देंगे।
अब जो पकोड़े हमने बनाए थे वो इसमें डालेंगे।
अब हमारा लच्छा पकोड़ा तैयार हो चुका है।